व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने GoPro Hero 9 की एसेसरी मंगवाई थी, वो भी नून एप्लीकेशन में। अगर आप दुबई में हैं तो यहाँ पे, या यूएई में है तो मोस्टली यूज़ होने वाली वेबसाइट है नून एप्लीकेशन है, अमेज़न, Alibaba.com, बहुत सारी वेबसाइट हैं। तो मैं आपको रेफर करूँगा कि नून एप्लीकेशन से आप चीज़ें मंगवाएं करें, यहाँ पे आपको काफ़ी सस्ती मिलेंगी। और उसके अलावा बात करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और हमने GoPro Hero 9 एक्शन की एसेसरी मंगवाई है। जैसा कि आपने दुबई माल वाली मेरी वीडियो देखी होगी ब्लॉग वाले चैनल पर, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने GoPro Hero 9 एक्शन को बाय किया है दुबई माल से, तो अभी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। GoPro Hero 9 एक्शन नजर आ रहा होगा, ये मैंने परचेज किया था दुबई माल से, तो अभी हमें चाहिए थी इसके साथ काफी ज्यादा एक्सेसरी, क्योंकि हमारे पास इसका स्टैंड भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी जैकेट जिससे टाइम लैप्स या कोई भी ट्रैवलिंग करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी चाहिए इसको हैंग करने के लिए। तो हमें नून एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छा डील मिला था, 60 दिरहम में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी थी, तो उसी की आज देखेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे। अगर अच्छी हुई तो मैं आपको ऑफर करूँगा कि आप भी अगर यूएई में है तो यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इस पैकेट में। जी तो गाइस, जैसा कि हम इसे ओपन कर चुके हैं और इसके अंदर हमें पार्सल देखने को मिलता है, सिर्फ ये ओजोन का पैकेट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये खाली है बिल्कुल। और देखते हैं इसको, चीज़ों को देखते हैं, वन बाय वन ट्राई करते हैं और कौन कौन सी चीज़ है और अच्छी क्वालिटी है, तो फिर मैं आपको रेफर करूँगा कि आप भी अगर आपको एक्सेसरी चाहिए 6, 8, 9 की, जो किसी भी आप GoPro आप यूज़ करते हैं, तो आप नून एप्लीकेशन अगर यू में है तो यू में यूज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही आसान और ईजी तरीके से। जी तो गाइस, ये थी सारी एक्सेसरी, तो यहाँ पे वन बाय वन करके आपको बताएंगे। जी तो गाइस, आ चुका हूँ मैं पार्क में, क्योंकि GoPro Hero 9 एक्शन की जो भी एक्सेसरी है वो सारी तकरीबन आउटसाइड की है, तो इसीलिए सोचा आउटसाइड पे चलते हैं। अभी काफ़ी गर्मी थी आज, तकरीबन 45 के अराउंड थी गर्मी, तो इसीलिए सोचा इवनिंग टाइम जाऊँगा तो अभी नॉर्मल है टेम्परेचर, तो वन बाय वन करके इसकी आज जो एक्सेसरी है उसकी आपको रिव्यू करवाते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको इसका इंटरव्यू करवाते हैं, ये वन बाय वन सारे मैंने चीज़ें तरतीब से लगा दी हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ये पैक है, इसको ओपन करते हैं और इसका देखते हैं क्या ये काम करता है GoPro Hero एक्शन के लिए। तो इसको ओपन करते हैं, ये जैसे जैकेट की तरह नहीं होता इस तरह, वैसे ही इसे जैकेट पे इंस्टॉल करते हैं, फिर वहीं पे फ्रंट पे GoPro Hero 9 एक्शन लगा के कहीं पे भी वॉकिंग करनी हो तो यहाँ पे हैंग करते हैं। मैं भी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, काफ़ी फ्लेक्सिबल है और आप इसे इस तरह से इसको हैंग करेंगे बॉडी पे, जब हैंग हो जाएगा ना यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी आपने इसको डालना है ऐसे हैंग करना है यहाँ पे, ये बहुत इजी है। इसको क्लिप लगा होता है यहाँ, पहले ये आपको रबड़ वाला क्लिप नज़र आ रहा होगा, इसको रिमूव करना ऊपर करेंगे और फिर इसको एंटर वाली इस तरह से क्लिप बना होता है, ऐसे हैंग होगा, फिर ये रबड़ वाला क्लिप होगा, इसको ऊपर से प्रेस कर देना, ये फिक्स हो जाएगा और ये GoPro Hero 9 ऐसे फिक्स हो जाएगा बॉडी पर। और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे आप इसे मूवेबल ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये है दूसरी प्रोडक्ट, इसको ओपन करके देखते हैं, और ये है जैसे हेड पे कहीं पे भी आप साइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो उसको आप अपने हेड पे लगा के यहाँ पे GoPro को स्टैंड कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, नॉर्मल इसके स्क्रू ओपन करके आपने यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर GoPro को हैंग करके अपने हेड पर तो कहीं पर भी जा सकते हो, वॉकिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ भी है तो आप इजीली से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये कहाँ पे यूज़ होने का, ये लगी हुई है, मैजिक लगी हुई है मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए या किसी के साथ ये अटैच होता है। अभी देखते हैं किसके साथ अटैच होता है, ये इस प्रोडक्ट को देखते हैं, हाँ जी इसके साथ है, ये आप हैंड पे इसको इस तरह से लगा के यहाँ पर आपको यहाँ भी मैजिक नज़र आएगी, यहाँ पे मैजिक है
और यहाँ पे इसको लगा के इसके यहाँ पे होल बना हुआ है, यहाँ से गुजार के आप इसको टाइट करके यहाँ पे भी गोप्रो हैंग कर सकते हो, ये बॉडी के यहाँ पे भी हैंग कर सकते हो जहाँ पर आपको इजी लगे। तो ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है ट्राईपोड और ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने ये डायरेक्ट गोप्रो में नहीं लगेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिप नज़र आ रहे होंगे नीचे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे आप ये वाली क्लिप है जो मोस्टली ट्राईपोड को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे और इसके ऊपर गोप्रो हैंग होगा और डायरेक्ट गोप्रो किसी भी ट्राईपोड पे हैंग नहीं होगा। इसके लिए आपको ये क्लिप चाहिए, पहले यहाँ पे गोप्रो फिक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी ट्राईपोड पे इसे लगा सकते हो। मोस्टली लोग यही मिनी जो ट्राईपोड है ये यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और नीचे वाले पे आपको यहाँ पे स्क्रू नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं भी आप स्टैंड करने के लिए वो लैदा मिलता है, वो आपको लैदा परचेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये वाली प्रोडक्ट है, इसको भी देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको भी आप यहाँ पे गोप्रो हैंग करके, कोई भी गोप्रो 7, 8, 5 हो, आप ये आपको यहाँ पे इसका जो जॉइंट है नज़र आ रहा होगा, या किसी भी लकड़ी को या किसी भी कॉर्नर वाली पट्टी को यहाँ पे हैंग करके, या किसी भी मोटरसाइकिल की जो भी आपको ऐसी चीज़ मिले जिस पे ये फिक्स हो जाए, और यहाँ पे आप गोप्रो से आउटसाइड का व्यू दिखा सकते हो। और इसके अलावा बाकी ये छोटी छोटी प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे आपको ब्लू रेड कलर की मैजिक नज़र आ रही होगी। मैजिक असल में ये काम है कि आप गोप्रो को मोस्टली अगर लोग यूज़ करते हैं कार, बाइक, मोटरसाइकिल, वहाँ पे परमानेंटली आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी कि इसको यहाँ पे आपको जो क्लिप नज़र आ रहा है ना, इसको लगाने के लिए एक क्लिप होता है जो फिक्स हो जाता है मैजिक की तरह, वो फिर बाद में यूज़ नहीं होता। तो इसलिए इस क्लिप को लगाने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैकेट दिए हैं और आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। ये वाला क्लिप है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके दोनों साइडों पर मैजिक होता है। और ये वाला क्लिप है, इसकी एक साइड पे मैजिक लगेगा, आप कहीं पे भी मोटरसाइकिल की ऐसी जगह पे लगाओगे जहाँ पे बाद में वो यूज़ नहीं होगा, फिर इसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उतारते हो तो दूसरी जगह पे ये सही से वर्क नहीं करेगा, डबल मैजिक टेप है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप उधर से उतार के कहीं और भी लगाना चाहते हो तो एक टाइम पर ये एक दफ़ा यूज़ होगा। आप यहाँ पर इसको लगा के मैजिक को आप गाड़ी की किसी भी बॉडी पर, उसके बॉटम पर लगा सकते हो, उसके माडी कार्ड कहीं पर भी आप इसे हैंग कर सकते हो। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दी गई हैं। और लास्ट पे ये है, और इसके बाद ये गुरिल्ला भी है, मिनी गुरिल्ला। और ये ट्राईपोड काफ़ी अच्छा है, आप अगर स्विमिंग करते हो कहीं पे भी बीच पे जाते हो तो अगर आप वीडियो शॉट करना चाहते हैं तो ये आप डाल के इस पे यहाँ पे हैंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन सारी प्रोडक्ट पे आपको ये वाला जो नज़र आएगा, यहाँ पे गोप्रो हैंग होगा और यहाँ पे उन्होंने हैंड पे डालने के लिए। और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पानी के ऊपर तैरता है, और वीडियो जो शॉर्ट्स वगैरह लेनी हो तो आप इसे इजीली बीच पे ले सकते हो। और इसके अलावा बात करते हैं मिनी गुरिल्ला, ये मिनी गुरिल्ला इसके साथ देते हैं, आप किसी भी जगह या लोहे की आयरन राड को जैसे भी पकड़ के और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके लिए भी आपको यहाँ पर वो लगाना पड़ेगा, जो ट्राईपोड को लगाने के लिए क्लिप होता है वो लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी अच्छी काफ़ी प्रोडक्ट है, आप गाड़ी के ग्लासेस पे लगाना चाहते हो या वीडियो रिकॉर्ड ऐसी जगह पे करना चाहते हो जहाँ पे ग्लास हो, लोहा हो, और ऐसी जो चीज़ है जहाँ पे ये मैजिक क्लिप, यहाँ पे क्लिप लगाओ आपको नज़र आ रहा होगा, जब आप इसे प्रेस करोगे इस तरह से ये किसी भी प्लास्टिक या ग्लास वाली जगह से मजबूती के साथ पकड़ लेगा और आप आउटसाइड का या इनसाइड का गाड़ी का जहाँ पर भी आप इसे लगाना चाहते हो बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हो। यही थी प्रोडक्ट आज की, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो किसी भी किस्म का सवाल हो गोप्रो के रिलेटेड या किसी भी टेक्निकल वीडियो के रिलेटेड कमेंट सेक्शन होता है, उम्मीद करता हूं फिर उसका आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दूंगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।